Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Dark Riddle. मुझे नहीं मालूम इस गेम में क्या होने वाला है, ये बस आप लोगों ने भर के कमेंट करा था कि जुमला ये गेम खेलो पक्का मजा आएगा. ठीक है भाई, खेलते, क्या दिक्कत है, आ जाओ. Alright, तो अपने लिए शायद Amazon से कोई डिलीवरी आई है. यस, ये है एक ड्रोन. और यार मुझे भी सच्ची में ड्रोन उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, कॉज ये जो आप व्यू देख पा रहे हो ये इसी से आता है. बाकी हाँ, ये काफी ज्यादा एक बढ़िया सोसाइटी है, चारों तरफ मस्त हरियाली है. और ये रहे हम यहाँ पे खड़े होकर ड्रोन उड़ा रहे हैं, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है. और वही हुआ, अपना जो ड्रोन है वो इस घर की छत से टकराया और इसके बैक यार्ड में जाके गिर चुका है. एंड अभी मुझे इस घर के यार्ड में जाके वो अपना ड्रोन वापस लेकर आना है. पर पता नहीं, इस घर को देख के मुझे थोड़ी सी गलत फील आ रही है. पक्का यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है. देखो इधर लिखा भी हुआ है वार्निंग साइन में, गेट आउट. एंड इधर लिखा हुआ है वार्निंग, नो किड्स अलाउड. वेट, और इधर क्या लिखा है, वार्निंग एलियन नेबर जोन. एलियन नेबर जोन, भाई कुछ भी हो रहा है क्या? वेट यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस घर के अंदर मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं. ट्राई टू ओपन द गेट, में गेट ओपन कर, गेट लॉक्ड है. और एक सेकेंड, ये पुलिस ऑफिसर है. वेट वेट वेट, मैं किसी के घर में जाने की कोशिश नहीं कर रहा अभी, तो खाली पीली भाई घर में छोड़ो जेल में चले जाता. बट हाँ, अभी ऑफिसर जा चुके हैं एंड अभी मुझे कुछ भी करके अपना ड्रोन लेकर आना ही है. यार महंगा आता है. ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक बॉक्स उठाया और मुझे पुट द क्रेट इन टू द फ्रंट ऑफ द फेंस. तो मेरे को यहाँ पर ये बॉक्स रखना है, पहले इसके ऊपर चढ़ना है फिर अंदर मेरे को जाना है. वेट, ये मारा जंप, ये मैं आ गया इस बॉक्स के ऊपर और अब जंप मार के मैं आ गया घर के अंदर. लेट्स गो. अब मुझे ना आराम से जाना है बैकयार्ड में. बट यहाँ पर लिखा है कि जब हम रन करते हैं ना तो हमें बहुत आराम से चलना है, कॉज इधर जो घर में बंदा रहता है उसको आवाज गई तो वो मैं मारने के लिए आ सकता है. अपना ड्रोन यहीं पर, ओ मुझे एरो फॉलो करना है और वो रहा मेरा ड्रोन. लेट्स गो. फाइनली मुझे मेरा ड्रोन मिल चुका है. बट शायद अभी कोई गड़बड़ होने वाली है क्या यहाँ पे ऊपर. भाई इस घर में जो नेबर बॉडी बिल्डर है वो तो पूरा ब्रॉक लेसनर हो रखा है और उसके ऊपर कॉफी गिर गई भाई, फुल चौड़ में पी रहा था. बट या ये क्या है, उसने कॉफी पी और उसे इतने खतरनाक करंट वरंट लग गया. बट ठीक है यार, मुझे लग रहा था काफी ज्यादा हार्ड होगा ड्रोन लेना, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं आओ, ऊपर से इस घर का जो नेबर है वो तो खुद में ही करंट वरंट उसे लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. बाकी यहाँ पर लिखा है टेक एन एप्पल, तो यहाँ से मैं एक एप्पल ले लेता हूँ. ब्रेक द विंडो, मुझे मेरा ड्रोन मिल चुका है, मैं विंडो क्यों तोड़ूं? अच्छा अभी मैं घर के अंदर तो आ गया हूं, बट यहां से बाहर जाने के लिए मुझे ये वाला गेट खोलना होगा. यार ये देखो, इसीलिए हमें इसकी चाबी चाहिए होगी ना, ये देखो. तो इसीलिए अभी मेरे को विंडो तोड़ के अंदर से चाबी लानी है इस गेट, मतलब इस गेट को खोलने के लिए. टेक द की फ्रॉम द शेल्फ इन द हॉलवे. ओके, मेरे को यहां से की मिल जाएगी, ये रही की. लेट्स गो. की मिल फिर से कोई पक्का, अभी नहीं बट इस बारी जरूर गड़बड़ होगी क्योंकि उसने मेरे को यहाँ पर आकर देख लिया है. वेट, अभी मैं क्या करूँ, भागू ना? वो भागना ही पड़ेगा, सामने खड़ा वो. गेट खोल. लेट्स गो, इसको ओपन कर दूंगा. वो आ रहा होगा, ताला ओपन होगा. लेट्स गो, मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ. और वो आया भी नहीं भाई, पता नहीं, बड़ा ही बदतमीज है. इसके अंदर क्या, एप्पल. एंड यहाँ पर रख लेता हूँ इसे मैं. चलो यार ये तो काफी ज्यादा मस्त था. बाकी ओए ये क्या है, यहाँ से हरा हरा धुआं क्यों निकल रहा है भाई? ये नाली है. इतना भी गंदा धुआं नहीं निकलता, हाँ स्मेल आती है बट ये तो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो. बाकी यहाँ पर है, हेलो सर. इसकी भैंस के टंग सिक्के बेच रहा है. कम बैक होम एंड वेट अंटिल नाइटफॉल, मुझे रात होने का वेट करना है. ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए अपने घर के अंदर. हमारा घर छोटा सा है, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा तगड़ा विला इसी का है. मैं चल के सोता हूँ. ओके, तो रात होने को आ गई है और अपना नेक्स्ट टास्क है स्नीक इन टू द नेबर्स हाउस. मुझे उसके घर में जाने की जरूरत क्या है मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा. बट हाँ अब टास्क है तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है. बाकी ये देखो ये भारी घूम रहा है. हेलो व्हाट्स अप, ये कुछ कहेगा क्या मेरे को इसके पार? ओए बाहर आ गया, बाहर नहीं मैं अपना, ये तो अपना बाहर मस्ती के लिए जा रहा है. मैं सोच रहा था कि ऐसे डब्बे उब्बे लगा के जाऊंगा, मैं तो इसके घर का गेट खोल के जाऊंगा और वापस बंद कर दूंगा. ठीक है अब अपना नेक्स्ट टास्क क्या है, मेरे को इसके घर के अंदर आ चुका हूँ. भाई ये कितना ज्यादा मस्त घर है यार इसका, ये देखो किचन देख रहे हो, इतना बड़ा तो अपना ड्रॉइंग हॉल भी नहीं है जितना बड़ा इसका किचन है. और ये क्या बना रखा है, वेट यहाँ पर एक और आया टास्क, फाइंड द कॉपर की. यार हम चोरी क्यों कर रहे हैं उसके घर में, हमारा ड्रोन खोया था हमने चुपचाप ले लिया है. बट ठीक है अभी चोरी करने आए हैं तो ढंग से करते हैं ना, क्या पता इसके घर में मस्त मस्त चीजें हो. यहाँ पर ये आवाज आ रही है कुछ तो. ओए करंट लग गया,
करंट लग गया मुझे इसके। क्या पागल बंदा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा यार। ये अपने बाथरूम में ये सब चीजें कौन लगा के रखता है। अभी जैसे तैसे मैं इससे बच चुका हूँ और मैंने ये उठा लिया। अब मैं एक काम करता हूँ ना, देखो जब वो घर पे वापस आएगा ना तो उसे करंट लगना चाहिए। मैं एक बार उसको करंट लगा के आऊँ क्या, मजा आ जाएगा। वेट वो ये घूम रहा और इस फुटपाथ पे वो चल रहा है, मेरे को मारेगा तो नहीं ना भाई। मैं घर के पुलिस ऑफिसर को बोलो, बड़ा बहुत पिटाई हो जाएगी। ठीक है, वो अपना रास्ता क्रॉस कर रहा है इस तरफ में, इसके पैरों के आगे ना मेरे को ये लगा देना है, ये इधर इस तरीके से। अबे कहाँ जा रहा है? ओ ओ ओ, ये वापस जाने लग गया। दो मिनट रुक जा तेरी भैंस की, ये ले। अब बोल फालतू, इसके ऊपर जैसे ही चढ़ेगा ना इसके करंट लगने वाला बहुत तेज। अबे मेरे लिए काम कर रहा था क्या बस ये? वेट दोबारा चढ़ बे इस पे भाई, ये नकली है, मेरे लिए चला था। तेरी भैंस की, फेंक के मार दूंगा। ओ सही में लोग उसके। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जो अपना टास्क है ना वो करते हैं। मैं पता नहीं क्यों हरकतें करने जा रहा हूँ। ये वाला गेट बंद कर देता है ताकि उसे कोई शक ना हो कि हम लोग उसके घर में आए थे। ये वाला अभी गेट बंद कर देता हूँ। वो ना गाइस हमें बस अपने घर के अंदर मारेगा, घर के बाहर पुलिस भी घूम रही है तो सीधी सी बात है वो हमें परेशान नहीं कर सकता। बाकी अपना नेक्स्ट टास्क था कि मुझे कॉपर की ढूंढना है, पर यहाँ पर तो मुझे कोई भी कॉपर की नजर, ओ ये रहा कॉपर की, के टेबल के कलर से बिल्कुल मैच कर रहा है ना तो इसलिए दिख नहीं रहा था। नेक्स्ट टास्क है ओपन दी कॉपर लॉक, कॉपर लॉक। यहाँ पर कोई लॉक भी है जो कि मुझे ओपन करना है। बाकी तो सबसे ज्यादा खतरनाक लॉक मुझे ये लग रहा है, जैसे पता नहीं कितने करोड़ों पैसा छुपा रखा हो अंदर, ऐसा लॉक लगाया है। इसमें मुझे कोई तो कोड डालना है तभी मैं इस गेट के अंदर जा पाऊंगा। बाकी ओए वो घर पे आ गया है, वो घर पे आ गया, ये देखो वो रहा, गेट बंद करके वो घर पे आ गया है। और मेरे को इसके आने से पहले ना यहाँ से निकलना होगा, ये वाला गेट मैं बंद कर देता हूँ। इन कॉपर लॉक मुझे ढूंढना है तो पता नहीं कहाँ जाना होगा। ये रहा लॉक, ये रहा। बट ये कॉपर नहीं है, ये तो सिल्वर है। तो कॉपर लॉक, ये भी कॉपर लॉक नहीं है, ये तो नॉर्मली चैन लगा हुआ है। एक सीढ़ी ऊपर और जा रही है, मैं टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ इस घर के। और मुझे यहाँ पर ओ यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये कटिंग प्लायर्स है एंड ये कुछ तो एंटीना एंड रॉकेट जैसा कुछ लग रहा है, ये ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पर और आगे चल के देखते हैं, इस टेबल पे एक बैटरी रखा हुआ है, ये भी मैंने ले लिया। और इस वाले रूम में कुछ अल्मिराज हैं जो कि मैं ओपन नहीं कर सकता। मेरे को तो अभी तक कोई भी कॉपर लॉक नजर नहीं आ रहा है। मैं वापस ये क्या हुआ? हेलो, तू मुझे सच्ची में कुछ नहीं कह रहा क्या? ओए ये क्या था यार, रीट्राई। मुझे सच्ची में नहीं मालूम था कि वो मुझे पकड़ेगा, मतलब वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, शायद इस वजह से मैं उसके हाथ से मिस हो गया था क्योंकि मैं नीचे कूद के आ रहा था और वो ऊपर चढ़ रहा था। बट हाँ, वो मेरे को नहीं छोड़ने वाला। बाकी ओए कैमरा है यहाँ पर, रुक जाओ कैमरा तोड़ दूँ क्या? ओह लेट्स गो, मैंने कैमरा ही तोड़ दिया। बट ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही ऑफ हुआ है। देखो मैं इसके सामने खड़े होऊंगा ना तो शायद इसमें जो नोटिस कर सकता है वो मुझे कहीं ना कहीं से। तो बाकी यहाँ पर सामने एक शेड बना हुआ है इसके यार्ड में, और ये क्या चीज़ है? द गोल्डन कार्ड इज नीडेड, कुछ तो मुझे इधर लगाना है। बाकी ओपन दी कॉपर लॉक, अभी भी मुझे समझ नहीं आया कॉपर लॉक कहाँ पर होगा। ओए ये देखो ये वाली जो चेन है ना, अभी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। मुझे इन प्लायर्स का यूज़ करना है और यहाँ पर इसे फेंकना नहीं है, कट करना है। रुक जाओ, ये मैंने करा यूज इसको और ये कट हो चुके हैं। और अभी मुझे यहाँ से गन एंड बैटरी मिल गया और अंदर भी कुछ कुछ चीजें पड़ी हैं। वेट इसको फेंको, अभी इसका यूज नहीं है। ये बैटरीज मैं सारी की सारी कैरी कर लेता हूँ, बाकी मेरे पास इन्वेंटरी में एक्स्ट्रा स्पेस है तो मैं ये भी कैरी कर सकता हूँ। अब फटाफट से ना ये वाली गन इक्विप कर लेते हैं, जब भी कोई आएगा ना उसे मारने के काम आएगी। बट ये चलती कैसे है? इसको चलाने के लिए हमें बैटरी चाहिए जो कि हमारे पास थी। मान लो मेरे को इससे कैमरा ऑफ करना है तो क्या मैं इसे ऐसे मार के कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? ये चार्ज हो गई है और अब मारू। ओ कैमरा 10 सेकंड के लिए फ्रीज हो चुका है। ये एक फ्रीज करने वाला गन है। इसके घर की ना बैक साइड से ऊपर चल के देखता हूँ, यहाँ से मुझे एक गोल्डन कार्ड मिल चुका है और गोल्डन कार्ड मुझे लगाना था इधर। नाइस गाइस, गोल्डन कार्ड ना मेरे बैकपैक में है। वेट मैं इसे निकालता हूँ और इसको मेरे को लगाना था यहाँ पे कुछ इस टाइप से। आ यार मैं फेंक क्यों रहा हूँ, मेरे को लगाना है। नाइस, ये वाला गेट ओपन हो चुका है। और यहाँ पर ये क्या है कि कुछ तो अलग अलग सी चीजें मिल रही हैं जिससे शायद मैं उसको परेशान कर सकता हूँ। बट ठीक है, मैं अपने हाथ में गन रख लेता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। अब एक काम करता हूँ, इसके घर में ना चलने का ट्राई करते हैं। बैक साइड से ऊपर दो दरवाजे भी थे और मैंने फिर से गलती करी, मेरे को कैमरे ने नोटिस कर लिया और उसको मालूम पड़ जाएगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला गेट लॉक है, ये ओपन नहीं होगा। ये वाला गेट भी लॉक है। और ये क्या चीज है? ये सारे के सारे ना अलार्म है, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो बजने लग जाते हैं तो मुझे उन्हें कैरी कर लेना है अपने साथ ही। फ्रंट साइड से इसके घर में चलने का ट्राई करता हूँ, इधर वाले रूम में चलते हैं। और ये क्या है? वेट इसको बंद कर, ओए मैंने गोली चला दी गलती से। यहाँ पर मुझे एक अलग ही रूम मिला है। और ये देखो गाइस, यहाँ पर एक सिल्वर की है और मैंने काफी सारे लॉक्स देखे हैं जिसमें सिल्वर की लगना है। बाकी यहाँ पर क्या है? द सिल्वर कार्ड इज नीडेड। बट ये तो सॉकेट ऐसा लग रहा है जैसे खराब हो रखा है। मैं इसमें गोली मार दूं?
ओए फेंक के नहीं, चला के मारनी है। बट नहीं, मेरे को इसमें सिल्वर कार्ड ही ला के लगाना होगा। यहाँ पर मुझे क्रोबार मिला, क्या ये क्रोबार से ओपन होगा? ओए कॉपर की से ये ओपन होना था, नाइस। तो अभी कॉपर की के बाद मुझे सिल्वर की मिल चुका है, और फटाफट से ना सिल्वर की मैं अपने हाथ में निकालता हूँ, और जितने भी सिल्वर लॉक्स थे वो फटाफट से चल के ना ओपन करते हैं। और मैं वापस बाथरूम में क्यों आ गया, वेट मेरे को यहाँ से जाना है। सिल्वर लॉक, ये रहा सिल्वर लॉक, फटाफट से इसको मैं ओपन करता हूँ। और अब देखते हैं कि आखिर इस रूम में क्या है। ये काफी ज्यादा बड़ा रूम है, और यहाँ पर दो दरवाजे हैं, ये वाला लॉक्ड है और ये वाला भी लॉक्ड है। तो फिर इस सिल्वर की का क्या फायदा था? यहाँ पर शायद से ना और भी सिल्वर लॉक्स थे, मैंने देखे थे, वेट। बट यहाँ पर मुझे कुछ नहीं। वैसे एक मिनट, पास ना मस्त आइडिया आया, क्या मैं इससे दरवाजा खोल सकता हूँ? यस, दरवाजा नहीं, आई मीन विंडो तोड़ सकता हूँ। वैसे गाइस अभी ना, ओए नहीं 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 नहीं, फिर मेरी गन, आजा ले। ओए यार, ओ मैंने फेंक के मार दी उसे गलती से, बट ठीक है, इसे उठाना है। एंड अभी मैं इसको मारने वाला हूँ, ये गन जैसे ही आएगा ना, आजा ले। 15 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया मैंने इसको, और ज्यादा बोलेगा ना दोबारा फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि क्या मैं इस विंडो से कूद के नीचे जा सकता हूँ? यस, तो जो बाकी रूम बंद पड़े थे ना, मैं उन रूम को खोल सकता हूँ इसके थ्रू। बस मुझे यहाँ पर ये गन ऐसे ही फेंक के मारनी है, और विंडो टूट जाएगी, गन अपने पास आ जाएगी। और अभी मैं आ चुका हूँ इस रूम में। सामने यहाँ पर एक रॉकेट, मेरे को एक रॉकेट का आधा पीस, नहीं कहां से आया तू? रीट्राई, और इस बारी मेरे को ना ज्यादा शोर नहीं करना। मैं समझ गया प्रॉब्लम हुई क्या थी। मैंने जब ये वाली विंडो तोड़ी थी ना, तो उसको आवाज चली गई थी, तो उसे मालूम पड़ गया मैं इधर से आ रहा हूँ। वेट, पहले तो ये एप्पल उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, और इन्वेंट्री अपनी फुल है। वेट, मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो सामने से आ रहा है, और इस गन में बुलेट नहीं है, मैं इसे फेंक के मार दूंगा। रुक जा, आजा ले, फैंस की टंग, अब बोल फालतू, 5 सेकंड के लिए चुपचाप बैठे रहे। अब ये वाली गन वापस उठा लेता हूँ, काम आने वाली अपने, ताकि बैटरी जैसे मिले मैं इस गन को चलाने लग जाऊं। अब फटाफट से ना भाग के मैं इसके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे चलता हूँ, कॉज मैं वाली विंडो ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ, तो मैं उन पीछे वाले रूम में एंटर हो सकता हूँ। तो यहाँ, ओए वेट, यहाँ पर एक बैटरी आई, ये उठा लेता हूँ, डन। अब मैं विंडो फिर से टूटी, और शोर आएगा, और वो मेरे को परेशान करने वाला है। मेरे पास ना इस बारी आइडिया है, मैं विंडो तोड़ूंगा ये वाली पहले, और गन देखना कहाँ जाके गिरी है। ठीक है, मैं अभी इस वाले रूम के अंदर जाऊँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है मेरे हिसाब से। इसको ओपन कर देता हूँ, और ये वाला ट्रैप बाहर फेंक देता हूँ। बाकी यहाँ पर देखो, ये जो रॉकेट है, मैंने इसका आधा पार्ट जो मिला था वो लगा दिया, एंड एक नया रूम ओपन हो चुका है। और ये तो कोई सीक्रेट रूम है, बट यहाँ पर आकर करना क्या है? यहाँ पर कुछ तो ला के रखना है क्या? मैं खड़े हो जाऊँ इधर? पता नहीं, इधर शायद कुछ तो अजीब सा होने वाला है, काफी सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बट हाँ, ऐसा सही से समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए। मुझे ना गाइस सिल्वर की मिली थी, मुझे सिल्वर लॉक खोलना होगा। बाकी इधर एक रूम और है, इसकी भी विंडो तोड़ के इसके अंदर चलता हूँ मैं एक बारी। रुको, ये मारा जंप, और ये मैं आ चुका हूँ शुरू में, और यहाँ पर एक प्यारी सी कैट है। हेलो कैट, क्या कर रही है भाई यहाँ पे? वेट, कुछ होने वाला है क्या, या फिर बस हम इसे ऐसे एकदम प्यार करने वाले हैं? ये इसकी कितनी मस्त कैट है, बेड पे बिठा रखा है एकदम रूम में। ओके, शायद यहाँ पर हमें वैसा कुछ खास नहीं करना। बाकी इधर एक लॉक है, और शायद ये एक गोल्ड लॉक है, तो इसे ओपन करने के लिए मुझे गोल्ड की चाहिए। और यहाँ पर एक नहीं, दो लॉक है। अंदर वाले रूम में कुछ तो पड़ा हुआ है जो कि मैं नहीं देख पा रहा ढंग से। बाकी यहाँ पर मैंने रूम ओपन कर दिया है, और इधर से वो भाग करा रहा है, बट मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कूद के बाहर आ गया। ओ, ये भी कूद के बाहर आ सकता है, मुझे नहीं मालूम था। वेट, तू आजा तू, ओ मुझे नहीं दिखा, ले मैं ऊपर से ही कूद जाऊंगा। तो ओए नहीं, पकड़ लिया। तो देखो गाइस, मेरे पास है ये सिल्वर की, कहीं ना कहीं पर एक सिल्वर लॉक है जो कि मुझे बस ओपन करना है जाके, और फिर शायद वहां से मुझे गोल्ड की मिल जाएगी, और हम लोग यहाँ से एस्केप कर लेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। मुझे अभी फटाफट से ना इसके घर के अंदर चलना चाहिए, और ये वाला गेट तो शायद लॉक नहीं था। यस, ये वाला गेट लॉक नहीं। वेट गाइस, इस बारी ना मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। अपना ये जो नेबर है ना, ये शायद अपने घर से बाहर आके गार्डन में घूमने के लिए जा रहा है, तो इसको आराम से घूमने देते हैं। और अब मैं जाऊंगा इसके पीठ पीछे घर के अंदर, बस थोड़े बहुत एप्पल अपने साथ कैरी कर लेता हूँ, ताकि कल को कोई दिक्कत आए ना तो मैं उसके मुंह पे ये एप्पल फेंक के मार दूं। वेट, ये लिया एप्पल, और इधर आती रही ऐसी की तैसी। अब बोलियो फालतू, निकल। ओए, मेरे को नहीं मारना चाहिए था, वो तो अपना अच्छा खासा बाहर जा रहा है, बट ठीक है, अभी भी बाहर ही चले जाएगा वो, उसे एप्पल जो मारा है ना वो भूल जाएगा। बट ठीक है, मुझे भी फटाफट से ऊपर चलना चाहिए, कहीं पर जो सिल्वर लॉक था ना, मुझे वो लॉक यूज करना है। यहाँ पर दो दरवाजे थे, ये वाला गेट मैं ओपन कर चुका हूँ, एंड शायद ये वाला गेट भी मैंने ओपन कर दिया था। ये रही वो कैट, अब मुझे कोई एक्स्ट्रा लॉक है क्या यहाँ पे, वो भी ओपन करने होंगे। तो एक ये वाला रूम था जिसे मैंने अपने प्लायर से ओपन कर लिया है। बाकी यहाँ पर आगे एक रूम और है जो कि लॉक्ड है,
शायद मुझे विंडो के उस साइड से कूद के आना होगा इस वाले रूम को ओपन करने के लिए। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं कि कैसे मैं यहाँ से जंप मार के जा सकता हूँ उस रूम के लिए। पहले तो ये प्लायर्स फेंक के वाली विंडो तोड़ लूं। बट हाँ, यहाँ से नीचे कूदना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वैसे गाइस, अक्सर हमें लॉक मिल जाता है बट उसे ओपन करने के लिए चाबी नहीं मिलती है, बट इस केस में अलग ही है। हमें चाबी मिल चुकी है पर लॉक का आता पता नहीं वो कहाँ पर है। खैर ठीक है, उस लॉक को मैं ढूंढ के रहूंगा कुछ भी हो जाए। गाइस, तो अब मुझे समझ आया कि आखिर मुझे सिल्वर की का यूज कहाँ पे करना है। तो अभी मैं चिमनी वाले रास्ते के थ्रू नीचे कूद के आ चुका हूँ। तो आप लोग को याद होगा कि इसके घर के बैक साइड में ना लेडर्स लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो वहां के जो गेट है ना, अभी मैंने नोटिस करा वो अंदर वाली साइड से नहीं खुल रहे हैं, तो पक्का वो इस सिल्वर की से ओपन हो जाएंगे। और जब मैं यहाँ पर ऊपर आया था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, ये देखो इधर, ओए ये साउंड कर रहा है बड़ा ज्यादा। तो जब भी मैं इसके पास आऊं मुझे हटाना होगा। और बाकी ये देखो, मैं इस रूम में आया था और मैंने यहाँ पर एक की मिस कर दिया। ठीक है, इन्वेंट्री इज फुल, मुझे कुछ तो फेंकना होगा, ये फेंक देता हूँ। और मुझे अभी वाला की यहाँ से उठा लेना है, लेट्स गो। मुझे एक गोल्डन की मिल चुका है, मैं इस की का यूज ऊपर वाले, मैंने गोल्डन बॉक्स, ये रे रे अंदर अंदर है, ये वाला गेट बंद कर दिया मैंने। अब चलता हूँ इसके अंदर और ये ओपन कर लेता हूँ। गेट बंद हो गया था ना, वो हो गया गेट बंद, लेट्स गो। यहाँ से मुझे एक गन मिल चुका है, बाकी यहाँ पर भी एक गोल्डन लॉक है लगे हाथ, इसको भी ओपन। ये तो बालकनी का ही दरवाजा एक और ओपन हो गया है, तो ये इन्वेंट्री फुल। क्या करूँ, मेरे को एक गन मिल रहा है तो वाली गन का फायदा नहीं है। अब ये वाली गन उठा लेता हूँ मैं, ये शायद कुछ तो तगड़ी गन है। इससे क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं। बाकी अभी अगर देखा जाए तो मुझे सिल्वर कार्ड यूज करना है ताकि मैं ये वाला गेट जो है ना इसको ओपन कर पाऊँ। पता नहीं इस वाले रूम के अंदर क्या होगा। स्नेक इन टू द रूम विद मॉनिटर्स, अपना नेक्स्ट टास्क यही है कि मुझे शायद से इस वाले रूम के अंदर जाना है। इस वाले रूम के अंदर मॉनिटर्स वगैरह रखे हैं का, वेट मैं गन पहले फेंक के मारता हूँ ताकि ये वाली विंडो ओपन हो जाए। और ये गन सच्ची में बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जब मैं इसे फेंक रहा हूँ तो यहाँ पर साफ साफ आ रहा है मुझे इस गन को उठाना है। और ये देखो इस रूम के अंदर इसने सच्ची में, नहीं, भाई यहाँ पर कैमरा लगा था और उसको कैमरे ने सायरन बजा दिया कि मैं उस रूम के अंदर झांक रहा हूँ और उसको पता चल गया। बट हाँ, मैं इससे पीछे छुड़ा लूंगा बहुत इजीली। मेरे को भी इस वाले रूम के अंदर कुछ भी करके जाना होगा बट मुझे कोई आइडिया नहीं सिल्वर कार्ड कहाँ पर मिलने वाला है। कहीं इसके ऊपर एक गन तो नहीं चलानी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वेट, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, ये फायर करा। अबे सिल्वर कार्ड की जरूरत नहीं थी, हम लोग इस गन के थ्रू भी इस गेट को ओपन कर सकते थे। और ये हैकर है क्या, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने सारे डिस्प्लेस ने यहाँ पर लगा रखे हैं और भाई सारे कैमरास पता नहीं कैसे कंट्रोल करता है। बाकी यहाँ पर एक फोन है जिस फोन पे लिखा है 6950, ये कोई तो बहुत ज्यादा सीक्रेट कोड है। और यहाँ पर एक कटाना, वेट 6950 कोड याद रखते हैं। और मुझे यहाँ से कटाना मिल चुका है भाई, वेट ये किस काम आने वाला है, क्या मुझे मारना है क्या, फेंक के, ओ वेट मैं ये उसको फेंक के मार सकता हूँ। कहाँ पर है वो 6950 कोड था और मुझे को पता है वो कोड कहाँ, नहीं, अभी मेरी गन कहाँ है, गन, मैं मर जाऊंगा। अरे यार पकड़ लिया, इस बारी कुछ भी हो जाए मैं इस नेबर को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इधर आबे, फालतू कैसे बोल रहा था उस बारी, ओए चल। 10 सेकंड के लिए वो पैरालाइज्ड हो चुका है भाई, ये गन चलने में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। बाकी यहाँ 6950, इधर मुझे कोड डालना था जल्दी से, 6950 एंटर, रॉन्ग, 6590 तो नहीं था। मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर आता हूँ दोबारा से। वाला गेट ओपन कर लेता हूँ फटाफट एंड फोन घेरा, कोड चेंज हो गया 4221, हम लोग पकड़े गए थे, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया बट मैंने दोबारा से देख लिया कॉज वो गेट लॉक करना भूल चुका है और जा रहा है घर से। एक मिनट रुक जाओ, अब बोल फालतू, इधर आ, वेट ये ले, अब बोल। एक मिनट, पुलिस ऑफिसर को मार सकता हूँ क्या मैं, वैसे मेरा मन नहीं है बट हाँ मैं ट्राई करूंगा एक बारी। 3 2 1 लेट्स गो। हे ऑफिसर, आ निशाना कच्चा। हेलो ऑफिसर, मैं बस टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि कल को आप मुझे ओए हम लोग को इसकी स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है और सारी बैटरीज खत्म हो चुकी है और उसको वापस से होश आ गया है, बट कोई नहीं फेंक के मारूंगा ना इसके मुंह पे। चुप, ओए नहीं हुआ कुछ, ठीक है 4221 कोड है, फटाफट से चल के कोड डालते हैं। और मैं घर के बाहर जाने के बजाय पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। 4221, यहाँ पर शायद इसका बहुत सारा पैसा हो सकता है या कुछ तो सीक्रेट चीज है अंदर। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं ये गेट ओपन करके इसके घर के बेसमेंट में आ चुका हूँ और पक्का इसने अपने घर के नीचे कुछ तो बहुत ज्यादा डेंजरस बना रखा है। और उसने सही लिखा था, एलियन जोन है भाई ये पूरा का पूरा। पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिसर्च वगैरह चल रही है। बट हाँ,
मेरे हिसाब से अभी मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मैं ये वाला गेट ओपन नहीं कर पाऊंगा। यस, अब मुझे यहाँ से एस्केप करना। यार ये क्या गलत सीन है। तो चलो गाइस, आज के वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, एम करते हैं 600,000 लाइक के लिए। तो सभी लोग जाके लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जाके जरूर बताना ये गेम आपको कैसी लगी। बाकी इस गेम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर मैं इसके घर के बेसमेंट से एस्केप करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।